नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि एक भाई साहब ने कमेंट किया है, इसी प्रकार से आप जो कमेंट कर रहे हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जो आपकी कमेंट आते हैं, हर कमेंट को अच्छी तरह से देखता हूँ और चेक करता हूँ। इसलिए जो कि एक भाई साहब का कमेंट है, भूपेंद्र सिंह है पार्क का, जैसे कि भाई साहब ने लिखा है गुलाब जामुन के बारे में पूछा है एक छोटा सा कमेंट करके। भाई साहब ने ये लिख दिया, भैया आप ये बताए, जो हम बाज़ार से मावा लेके आते हैं, जो खोआ बोलते हैं हम, फीका खोआ होता है, जो बाज़ार से मावा लेके आते हैं, वो उससे हम जो गुलाब जामुन बनाते हैं वो बिल्कुल स्वादिष्ट बन जाते हैं। भाई साहब का क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा लगा। जो कि हम घर पे मावा बनाते हैं उससे गुलाब जामुन स्वादिष्ट नहीं बनते, यानी कि हमारे गुलाब जामुन फट जाते हैं। ये भी बात बहुत ही अच्छी है, ऐसा होता है, क्यों होता है भाई साहब? आपने तो पहली बात तो आपने पता नहीं ये गुलाब जामुन घर पे मावा कैसे बनाया जाता है इसका, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि दिक्कत कोई भी नहीं है, यदि आपका दूध खट्टा भी होगा थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा, और जैसे कि फुल क्रीम का हो या गाय का हो, कैसे भी दूध हो, मावा बनना चाहिए अच्छी तरह से। कारण क्या होता है, हमारे घर पे जो मावा बना रहे हैं हम, प्योर दूध का मावा बनाते हैं। प्योर दूध का मावा बनाने से जो हमारे खोए के अंदर क्रीम की मात्रा बहुत ही काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए हमारे गुलाब जामुन फट जाते हैं। और जो मोल वाले आप मावा लेके आते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको? ये है ना आपका सवाल, इसमें दिक्कत क्या होती है, हमारे जो घर का मावा होता है उसके अंदर घी की मात्रा फालतू हो जाती है, और मोल वाला जो थैली का होता है पाउडर का, पाउडर घोल करके और उसे पका देते हैं, इसी तरह से वो मोल का बन जाता है। हम कंटिन्यू एक बात मान के चले, आप देख लीजिए, जैसे कि हम घर पे 5 किलो दूध लेंगे, 5 किलो दूध में 1 किलो मावा तैयार होगा हमारा, या फिर 4 किलो के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि गाढ़ा पतला का थोड़ा फर्क हो जाता है, और बाज़ार से बिल्कुल रबड़ी देते हैं, 4 किलो की औसत आप मान के चले। 4 किलो में अगर हम 50 का भाव भी दूध मान के चलेंगे, 4×5=20, 200 रुपये का आपका हो गया। इसके अलावा आपकी खुबात है, गैस है, वो अलग से रह गई, 250-300 रुपये हो गए। जैसे कि 250-300-300 रुपये लगभग आपके घर पर ये मावा, प्योर मावा पड़ जाएगा आपका। बाज़ार में 180-200-220-250 क्यों दे रहे हैं? यदि उनके घर पर ही 300 पड़ रहा है, हमें 280 क्यों मिलेगा, 250 क्यों मिलेगा मावा? इसलिए वे प्योर पाउडर घोल करके हमें देते हैं, और यदि प्योर मावा देंगे वे 350-300 रुपये के जी से घाट नहीं मिलेगा आपको। मेन कारण तो यही था आपका, जो कि आपने घर पे मावा बनाना है वो दानेदार नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जैसे कि थोड़ा बहुत भी दाना होगा ना उसके अंदर, आप रगड़ के देखोगे तो उससे आपके गुलाब जामुन फटने के बहुत चांस हैं, और घी की मात्रा होगी तो उससे भी। एक बार आपने मावा बनाना है, मावा बनाने के बाद उसको मत्थी मार के अच्छी तरह से, मत्थी से आपने डली डुली होगी जो, बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेन कर लेना है। इसी तरह से आप एक बार गुलाब जामुन बना करके देखें, और एक दो जो आपकी बातें हैं, आपके जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको लाइव मावा बना करके दिखाऊंगा घर पर पाउडर का। जो आपने एक क्वेश्चन और पूछा है ना, जो बाज़ार जैसा आप मावा कैसे बनाते हैं, आप बना करके दिखाए, मैं आपको बाज़ार जैसे मावा घर पर ही बना करके दिखाऊंगा, शुद्ध चीज़ का, वो भी थैली का होगा और शुद्ध चीज़ होगी। इसी तरह से आप, आपके मन में जो कमेंट है आप कमेंट करते रहे, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप हर कमेंट की रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।